मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस सुबह के वक्त जीसस मीट्स यूट्यूब चैनल में देखने वाले आप सभी लोगों को बहुत ही प्रेम के साथ आपको बधाई देता हूं। आप सभी लोग जीसस मीट्स सेवकाई के परिवार के अंग हैं और इसमें बहुत ही खुशी की बात है। परमेश्वर की महिमा हो। इस सुबह के वक्त परमेश्वर के लोगों, यह पूरा दिन कैसा होगा, परमेश्वर कैसे चलाने वाला है, इस बात को लेकर एक सोच आपके मन में होगा। बहुत अच्छी बात है, सभी चीजों में परमेश्वर की इच्छा आपके घर में, आपके परिवार में पूरा हो, यही बहुत बहुत जरूरी बात है। आज परमेश्वर की आत्मा की आवाज को हम जरा सुने। प्रेरित काम 11वां अध्याय 2 और 3 वचन, जो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे, तूने खतना रहित लोगों के यहां जाकर उनके साथ खाया। वे परमेश्वर के लोग हैं, पर परमेश्वर के सेवकों के अंदर एक वाद विवाद होता है। उद्धार पाए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए परमेश्वर के लोग हैं, पर उनके अंदर एक समस्या को सामने रखकर उसके कारण वाद विवाद होता है। समस्या क्या है? 10वें अध्याय में क्या होता है कि कॉर्नेलियुस के घर में एक जागरण के बारे में हम देख पाते हैं, और वो जागरण जो है अन्य जातियों के लोग में आ जाता है, और उसके घर में पतरस को ले जाकर एक सभा चलती है। बहुत सारे लोग जो है अद्भुत रीति से वहां पर अभिषेक को पाते हैं, और एक बहुत बड़े महिमा जनक सेवकाएं वहां होती है, और ये संदेश जब ऊपरी लोगों के पास जाता है तो वहां पर उस चीज को लेकर, उस सभा को लेकर वाद विवाद करते हैं। यह आत्मिक दुनिया में जो है, आप और मैं जब जीते हैं तो कुछ समस्याओं को झेलना पड़ता है, हम झेलते हैं आज भी, पर उस समस्या के बीच में हमें कैसा चलना चाहिए वो बहुत जरूरी है ना। इसके लिए यहां पर पत्रस एक अच्छा उदाहरण है। 11वें अध्याय के 4 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब पत्रस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा। वहां से शुरू करता है। देखिए, उस कार्य को जो है आरंभ से लेकर एक्सप्लेन करता है। तो इन सभी चीजों को सोचने के बाद, बोलने के बाद, परमेश्वर के लोगों, 17वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ऐसा वे 18वें वचन के आखिरी भाग में परमेश्वर की महिमा करने लगे, बड़ाई करने लगे, उस वाद विवाद से चुप रह गए। जब वाद विवाद समस्या आती है तो आपको आरंभ से क्रमानुसार अपने पत्नी से या पति पति के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ डिटेल आपको बोलना चाहिए। विवरण रूप से आप जब कहोगे तो वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होगा। मेरे प्रिय लोगों, वही बहुत जरूरी है। कैसे परमेश्वर ने मुझसे बात किया याफा नगर में, जब मैं वहां पर बीता रहा, जब मैं वहां पर था तो कैसे परमेश्वर की आवाज मुझे सुनाई दी, कैसे द्वार पर खटखटाकर मुझे बाहर ले गई। ये सब कहता अन्य जाति लोगों को भी परमेश्वर अभिषेक करने लगा ना, तो परमेश्वर की क्रिया को नहीं रोकना चाहिए। तो वे सब ऐसे कंक्लूजन में आकर उस कंफ्यूजन को बाहर फेंक कर वहां पर बहुत बड़ी शांति छा गई। आज परमेश्वर आपको जो कहना चाहता है वह यह है कि कोई भी समस्या हो, अपना हृदय खोलकर बात कीजिए और तुरंत उसका अंत खोज निकालिए, और परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर के लोगों, इसके लिए हम प्रार्थना करने वाले, ठीक है? हमारे प्यारे परमेश्वर, अक्सर ऐसी समस्या हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, धंधे में, काम करने वाले स्थान पर ऐसी समस्या आए तो कैसे हम उसे हल करें, कैसे उसे काबू में रखें। अनुग्रह पूर्वक परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की आत्मा तू ही हमें दे सकता है। अभी तेरे बच्चों को तू दे, परिवार को कैसे चलाएं, बच्चों को, पति पत्नी, भाई बहन, परिवार के लोगों को, सभी के साथ कैसे हम मिलकर चलें,
ऐसा एक विशेष ज्ञान तेरे बच्चों को तू देकर इन बच्चों को आज के दिन ही नहीं बल्कि प्रतिदिन तू चलाता रहे परमेश्वर। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। बहुत ही आनंद की बात है यह संदेश आपसे बात किया है ना, आपसे प्रचलित लोगों को जरूर शेयर करें, वे भी अपनी समस्याओं को परमेश्वर बदलने लायक बना देंगे। फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।